तो ये जो जानकारी देने का जो सोर्स है मीडिया, ये मीडिया भी उनका ही है। ये ब्राह्मण बनिया लोगों का कब्जा है सारे मीडिया पर। अभी मैं ये मीडिया, जैसे मैं ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गया, मैं अभी ईवीएम मशीन के साथ साथ इस देश में जो मीडिया है उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की योजना बना रहा हूं। मैं उसका जरा अभी सारे देश भर में सर्वे कर रहा हूं, डाटा इकट्ठा कर रहा हूं कि किस तरह से ये लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका डाटा इकट्ठा कर रहा हूं और उसके सबूत इकट्ठा कर रहा हूं और सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और मीडिया जो एक तरफी करने का काम कर रहा है, तो मीडिया के रेफरेंस में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जो बहुत अहम है। मीडिया कोई इंडस्ट्री नहीं है, मीडिया कोई व्यापार नहीं है, मीडिया कोई उद्योग नहीं है। और पेपर चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाने के लिए आपको इंडस्ट्री का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, ना इंडस्ट्री से आपको अनुमति मिलती है, क्योंकि मीडिया शुरू करने के लिए आर्टिकल संविधान का जो 19 आर्टिकल है उसके तहत अलग कानून है और उस कानून के तहत अनुमति लेनी पड़ती है। पेपर चलाना कोई इंडस्ट्री चलाना नहीं है, पेपर चलाना कोई व्यापार करना नहीं है, उद्योग करना नहीं है। ये आर्टिकल 19 के तहत अलग परमिशन लेनी पड़ती है, जिलाधिकारी से अलग परमिशन लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रार ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार अखबारों के मालिकों का अधिकार नहीं है। टीवी चैनल का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीओ, उसका अधिकार नहीं है। वो जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है और जनता को अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार। अगर वो जनता का अधिकार है तो जनता के विरोध में खबरें छापना वही मीडिया करता है। या तो वो विरोध में खबर छापता है, या तो खबर को ब्लैकआउट करता है, या तो खबर इस तरह से छापता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, चरित्र हनन करता है, या तो चरित्र हत्या करने का काम करता है ताकि वो समाज में आंदोलन में खड़ा ना हो सके। जैसे मुसलमानों के विरोध में प्रचार किया जाता है कि आतंकवादी है, सिखों के विरोध में पहले प्रचार किया जाता था आतंकवादी है। तो ये मीडिया की वजह से इन लोगों को आसान हुआ है। जैसे मान लो किसी अच्छे कुत्ते को मारना है, तो अच्छे कुत्ते को मारना तो अपराध है, तो 6 महीना प्रचार करो ये पागल हो गया, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, और उसके बाद 6 महीने के बाद गोली मार दो, तो लोग क्या बोलेंगे? अच्छा हुआ यार, मैं उस गली से बार बार जाता था साला, हमेशा डरा रहता था, मुझे डर लगा रहता था, पता नहीं साला ये काटेगा तो मेरा क्या होगा, अच्छा हुआ। वो लोग बोलेंगे ये अच्छा हुआ, अन्यथा उसको नहीं मार सकते आप। उसी तरह से अगर अच्छे इंसान को मारना है तो प्रचार करो आतंकवादी 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 आतंकवादी, फिर गोली मार दो, फिर एनकाउंटर कर दो, लोग क्या बोलेंगे? अच्छा हुआ, पता नहीं साला क्या करता है, ये देश के लिए खतरनाक है, देशद्रोही लोग है, अच्छा हुआ मार दी। तो मीडिया जो है ये कत्लेआम में, सामूहिक कत्लेआम में शामिल है। तो ये देशद्रोह से भी ज्यादा खतरनाक काम में लगे हुए है मीडिया भारत का। तो इन लोगों को आने वाले समय में हम टेकअप करेंगे आंदोलन के द्वारा, क्योंकि ये चलाने वाले जो लोग हैं और जो पत्रकार लोग हैं, ये चलाने वाले जो लोग हैं और पत्रकार लोग हैं, ये अखबार छाप सकते हैं मगर लोगों के घरों तक पहुंचाने का जो काम है अखबार, तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले डिलीवरी बॉय है, गांव गांव में, घर घर में जो पेपर है उसके घरों में पहुंचाने वाले लोग हैं, वो तो हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं। अगर उनका हम संगठन खड़ा कर दे तो इनके अखबार घरों तक कैसे जाएंगे? अभी हम लोगों को पता चला, अभी ये कानून बना कि जो चैनल आप देखेंगे
उतने ही चैनल का पैसा आपको पे करना है। जो चैनल आप नहीं देखेंगे उसका पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले समय में हम लोग जरूर आने वाले समय में 2024 तक हमारा अपना भी चैनल ओपन करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम अपना सैटेलाइट चैनल खड़ा करें, मगर 2024 तक तो हम लोग अपना सैटेलाइट चैनल बनाने के लायक हो जाएंगे। सोशल मीडिया में तो आज हमारी बड़ी आवाज है। जब परिवर्तन यात्रा हमने निकाला था तो कम से कम 34 देश और ज्यादा से ज्यादा 64 देशों के लोगों ने हमारे परिवर्तन यात्रा को देखा।